दीदी कैसा लगा आपको ट्रैक करके यहाँ पे? बहुत अच्छा, भोलेनाथ जी के दर्शन करो, बहुत अच्छा। वैसे आप कहाँ से हो? काला तो हर कोई इंसान दिख जाएगा, काला थोड़ी करना, गोरा कर दिया भाई। तू आ भाई, टिकटॉक पर आयो बस इधर भाई, मन लगा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। तो दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत तो नहीं कह सकता, पर एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो पिछला ब्लॉग आपने देखा घर से चुपता का सफ़र, और रास्ते में आपको ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिले। तो वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं। हाय दगड़े मिचो, आपको दगड़े ऋषभ राणा, और वेलकम चो आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं हूँ चुपता की नसीन वादियों से, और आपको आज ले जा रहा हूँ तुंगनाथ में। दोस्तों हम रास्ते में पहुंच चुके हैं, और रास्ते में देख सकते हो हर चीज़ की दुकान है, छोटी मतलब यात्रा में ले जाने के लिए सामान सामान से लेकर, और ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। और मैं और बॉबी आगे पहुंच गए मैं और सर। दोस्तों यहाँ पे ब्लॉगर ही ब्लॉगर मिल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से कोई आगे भी कर रहे कोई सूट। थोड़ा गंदगी तो है रास्ते में, पर कोई नहीं। और सौरभ भाई कैसा लग रहा है आपको ट्रैक करने में? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, दूसरे टाइम में। दोस्तों आज सुबह हमने ना 6:30 बजे स्टार्ट कर लिया था ये ट्रैक, और बज गए हैं ना 3 तक तो हो गया टाइम। वो भी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये थोड़ा बैठे हैं यहाँ पे, और आगे से और उन भैया चल रहे हैं, और उन भैया को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है तो बहुत जल्दी चल रहे हैं, हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, और मंजिल केदारनाथ हो। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, और मंजिल केदारनाथ हो। तो दोस्तों लगभग आधे रास्ते आ चुके हैं हम यहाँ पे, और भीड़ तगड़ी वाली है। ठीक ही है जिस हिसाब से केदारनाथ में है, मतलब ठीक ही है उस हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ से नीचे देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ पे, फोटोग्राफी चल ही रही है जो भी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए। गाइस बहुत बड़ा वाला फूल पड़ चुका है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश लग गई है, और एक दुकान में यहाँ पे रुके यहाँ पे देख सकते हो आप कितना मतलब सुन सकते, और देख सकते हो कितनी बारिश यहाँ पे लग रही है। व्यू तो शानदार है, पर थोड़ा बारिश ने फूफट कर लिया यहाँ पर। कुछ जिस दुकान पे पहुँचना था फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे हाथ रहा उसको देखे, हम तो अच्छे हैं। टाइम पे लगभग 4 बजे हमने सोचा है कि या तो रात में थोड़ा दर्शन करेंगे, और मतलब पूजा पूजा तो कल ही कर पाएंगे, क्योंकि तो सोचेंगे जल्दी पूजा करने चले जाएंगे। दगड़ियों यहाँ पे दिखा हमको एक मोनाल। आपको बता दूँ कि जो मोनाल होता है ये हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी होता है, और ये हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। जो इसका फेवरेट पकवान होता है ये आलू होता है, पकवान तो नहीं कह सकता, पर ये आलू बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्रों में आलू अत्यधिक मात्रा में होते हैं। और उन बयाना ने मेरी टोपी मांगी, और मेरे बाल कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। दोस्तों हमने मंदिर के दर्शन थोड़े किए इस टाइम, क्योंकि ना कल सुबह पे अच्छे कर लेंगे और आपको अच्छा ही दिखा देंगे। मैं वीडियो भी नहीं बनाया इस टाइम को, तो उस टाइम थोड़ा नाश्ता नुस्ता भी कर लिया। नाश्ता भी क्या करना, सुबह से नाश्ता नहीं किया था, यहीं पे आके किया। तो हमने सोचा कि रात को जाएंगे और कल सुबह को जल्दी चले जाएंगे दुकान में। और यहाँ पे हमको ना मोनाल दिखे है, और जिसका वीडियो मैंने अभी आपको बनाया है। तो दोस्तों आपको बता दो कि मैंने फर्स्ट टाइम मोनाल देखा है, मतलब सामने से। पिक्चर में तो बहुत बार देखा है, पर फर्स्ट टाइम देखा है। और यहाँ से ना नीचे का व्यू काफी शानदार है, और मेरे जो 3 फ्रेंड है वो आगे चल रहे हैं अभी। शंभू शंभू शिवा महादेवा, शंभू शंभू शिवा महादेवा।
दोस्तों काफी लाजवाब व्यू पॉइंट पे आ रखे थे और अब यहाँ से चंद्र तिल्ला लगभग थोड़ा ही है। हाँ क्या दोस्तों ट्रैकिंग करने में बहुत मजा आ गया लगभग आज का इसी दिन के धार में देख सकते हैं आप दो कस्तूरी मिल गए हैं दो मतलब सब चीज पहली बार दिख रहे हैं यहाँ पे ये देखो मजा आ गया यहाँ पे क्या है बताएं और नीचे का व्यू भी दिखाओ एक बार काफी ये नीचे का सुंदर व्यू जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ऐसा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमको कुछ और जानवर और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मात्रा में है इनको थार कहते हैं और ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये हुआ मोनाल हुआ कस्तूरी मृग हुआ ये तीन चीज़ों को हमने आपको दिखा दिया उत्तराखंड के इन बुग्यालों में। तो दोस्तों जिन पत्थरों को हम ऐसे लगा रहे थे तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब कोई तुंगनाथ में और अन्य बुग्यालों में ऐसे क्षेत्र में इन पत्थरों को ऐसे में लगाते तो वो इस प्रकार से वो भूमि उन लोगों की हो जाती है। दीदी कैसा लगा आपको ट्रैक करके यहाँ पे? बहुत अच्छा बोलना जी के दर्शन करो बहुत अच्छा। ओके वैसे आप कहाँ से हो? मैं हरिद्वार से। ओके नहीं नहीं मैं हम भी यहीं से रुद्रप्रयाग से हम मतलब इसी इलाके से हम बहुत अच्छे दर्शन करने हो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला में और चंद्रशिला की मान्यता है कि चंद्रशिला में भगवान चंद्र जी और श्री राम जी का मंदिर से संबंधित यह चंद्रशिला है और इसके आसपास का नज़ारा बहुत ही आकर्षित है इसको मैं आपको दिखाने वाले वाला। दोस्तों हम यहाँ पे पहुंच चुके थे थोड़ा देर पहले और यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट किया और भगवान जी के दर्शन किए और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सामने का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो शंकर भोले नाथ शंकर मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो शंकर का एक प्यार सा गाना समर्पित करना चाहूँगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए क्योंकि यहाँ पे वातावरण बहुत शांत है तो आपको पसंद जरूर आएगा। अगर शिव समाधि में बैठे शिव समाधि में बैठे पार्वती संग रहते हाथ जोड़े भक्त बोले जय हो बोले हो तू ही मुक्ति द्वार खोले जय हो बोले शिव समाधि में बैठे पार्वती संग रहते हाथ जोड़े भक्त बोले जय हो बोले ओ तू ही मुक्ति द्वार खोले जय हो बोले मन में मेरी आस था कि दीप जागे ओ सुन के यार मैं भी तो हो गए बैरागी शिव पे भस्म चढ़ा है बाहर नंदी खड़ा है रुद्र माला तू पिरोले जय हो बोले
डमरू से संसार ढोले, जय हो बोले। शिव समाधि में बैठे सारे शिव गण कहते, डमरू से संसार डोले, जय हो भोले। ओ तू ही मुक्ति द्वार खोले, जय हो भोले। शिव समाधि में बैठे तो दोस्तों लगभग हमको यहाँ पे एक घंटा से ज़्यादा हो गया है, और मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, वीडियो फैला दो, डाउनलोड सब कुछ करो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दे। 1,00,000 सब्सक्राइबर कर दो यार भाई के, ठीक है। हाँ, एक बार मेरे चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि प्रेयर करता हूँ तुंगनाथ भगवान से। तो दोस्तों कल मैंने ना तुंगनाथ भगवान का वीडियो अभी नहीं बनाया, क्योंकि हमने उस टाइम नाश्ता कर लिया था। मैंने सोचा ना कल सुबह को आएंगे और सुबह 4 बजे उस टाइम बना लेंगे, मतलब थोड़ा वहाँ पे कहीं पर पूजा आराधना नहीं की तो रात शाम को भी करेंगे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो छोटा सा लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, गोविंद शंकर, जय गोविंद शंकर, शिवाय शंकर। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो।